गूगल क्रोम की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फिक्स ए डब्ल्यू स्नैप एरर इन गूगल क्रोम, कि आप गूगल क्रोम के अंदर कैसे ए डब्ल्यू स्नैप एरर को फिक्स कर सकते हैं। सो इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास जो पहला तरीका है, आपने जाना है गूगल क्रोम पे, गूगल क्रोम के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है एंड देन आपने जाना है प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कंपेटिबिलिटी का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर कंपेटिबिलिटी मोड को इनेबल करना है, रन दिस प्रोग्राम इन कंपेटिबिलिटी मोड फॉर विंडोज़ 8, यहाँ पर आपने विंडोज़ 8 चूज़ करना है, देन आपने इसको अप्लाई करके ओके कर लेना है। उसके बाद आपने दोबारा रिस्टार्ट करना है गूगल क्रोम को, तो आपके पास ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास तरीका है गाइस, आपने क्या करना है कि आपने सर्च में जाना है। सर्च में जाने के बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद आपने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने जाना है सर्विसेज में एंड सर्विसेज के अंदर आपने यहाँ पर हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, आपने इसको चेक करना है एंड चेक करने के बाद आपने यहाँ पर ये जितने भी बाकी सर्विसेज है आपने इसको डिसेबल करना है। ठीक है, सो आपने यहाँ पर डिसेबल ऑल के ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपने इसको अप्लाई करके ओके करना है। ओके करने के बाद आपने अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट कर लेने के बाद आपने दोबारा यहाँ पर आना है एंड आपने इन तमाम सर्विसेज को दोबारा इनेबल कर लेना है। दोबारा इनेबल कर लेने के बाद आपने अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं करना है, आपने जस्ट इसको एग्जिट करना है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो फाइनल स्टेप है ए डब्ल्यू स्नैप एरर को फिक्स करने का, वो ये है कि आपने अपनी विंडोज़ को अपडेट करना है। कैसे, आपने जाना है विंडोज सर्च पे एंड आपने टाइप करना है विंडोज़ अपडेट सेटिंग्स। ठीक है, आपने विंडोज़ अपडेट सेटिंग्स को फिर ओपन करना है, तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो विंडो है वो अप टू डेट है या नहीं। अगर अप टू डेट नहीं होगी तो यहाँ पर आपके पास आएगा इंस्टॉल का ऑप्शन, तो आपने सिंपली अपनी विंडोज़ को अपडेट करना है एंड अपडेट कर लेने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। ठीक है, अगर ये सब करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई तो आपके गूगल क्रोम के अंदर जितने भी एक्सटेंशंस हैं आपने उन तमाम एक्सटेंशंस को रिमूव करके दोबारा ऐड करना है एंड आपने अपने गूगल क्रोम को भी अपडेट कर लेना है। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।